हेलो दोस्तों नमस्ते कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे तो आज का ये जो मेरा अर्ली मॉर्निंग किचन में सोचा मतलब मैंने चाय बना सॉरी यहाँ पे गर, गरम कर रही हूँ पानी किचन में आने के बाद ही मैंने घर के कामों को स्टार्ट किया है सोचा आज कामों के साथ साथ ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक गिलास गर्म पानी किया पी लिया उसके बाद यहाँ पे बारी आती है देवांश के यूनिफॉर्म पे की क्योंकि कल यहाँ पे कल बेंगलोर में हुई थी काफी बारिश इस वजह से ना मेरे कपड़े सूख नहीं पाए और ये वाला देवांश का स्पोर्ट यूनिफॉर्म है तो सिंगल पेयर ही है स्पोर्ट यूनिफॉर्म का तो कल मैंने जो स्टैंड है ना स्टैंड के ऊपर ही कपड़े डाल के रूम में रख दिया था और मैंने रात भर फैन भी फुल करके उसके नीचे स्टैंड रखा था बट कपड़े सूखे नहीं थे बट जैसे तैसे करके मैंने देवांश का यूनिफॉर्म अलट पलट कर करके तीन तीन से चार बार सूखा के ले लिया था तो सूख गया था तो वही टेंशन था मुझे कि सूखेगा या नहीं और बच्चों को ठंडे कपड़े भी नहीं डाल सकते ऊपर से मतलब वेदर भी काफ़ी ठंडा है तो मुझे वही टेंशन था कि देवांश का यूनिफॉर्म सूखेगा या नहीं और ये वाला यूनिफॉर्म ना स्पोर्ट यूनिफॉर्म है तो वो वीकली टू टाइम्स ही पहनता है बट देवांश मतलब बच्चे है ना छोटे तो दिन भर कपड़े जो है ना यूनिफॉर्म पहनते पहने हुए रहते तो यूनिफॉर्म भी खराब हो जाता है तो मैं रोज ही उसका यूनिफॉर्म जो भी रहता है वो वॉश करके रख देती हूँ बस यहाँ पे मैंने देवांश को उठा दिया था आज उठने में वो काफी लेट किया और कल जैसे कि लेट सोए थे शिव और देवांश दोनों भी तो देवांश का ना उठने का मन था और ना स्कूल जाने का बट जैसे तैसे करके मैंने उसे उठा दिया था मैंने शिव देवांश को बात दे ये ले के लेके आ गई थी यहाँ पे और मैंने उसे यूनिफॉर्म दिया था वो यूनिफॉर्म तो पहन लेता है बस उसे सॉक्स डालना नहीं आता है लॉन्ग सॉक्स है और ऊपर से वॉश करने के बाद ना सॉक्स जो है थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं तो उसे कोशिश तो करता है बट नहीं आता है डालना इसलिए मैं ही डाल देती हूँ तो बस सुबह के यहाँ यहीं पे छोटे मोटे काम जो है ना काफ़ी सारे रहते हैं सुबह में पता नहीं टाइम कहाँ कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है तो आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ये मैंने सैटरडे सा, का ब्लॉग है सुबह से सात सुबह सात बजे चालू किया था और सुबह दस बजे तक की तीन घंटे का ये मेरा जो भी मेरे घर के काम होते हैं वो मैंने शूट किया है बस यहाँ पे देवांश को रेडी कर दिया उसके बाद यहाँ पे मैंने देवांश को ना दूध में थोड़ा सा चाय पत्ती और अदरक डाल के दूध बना लिया था अ वैसे तो मैं उसे दूध देना होता है तो व्हाइट प्लेन वाला ही दूध देती हूँ बट वेदर अभी आजकल काफ़ी ठंडा है और देवांश को भी थोड़ा सा कोल्ड है इसी वजह से मैंने उसे अदरक और चाय पत्ती वाला दूध बना के दे दिया था और आज मुझे बोल रहा था कि मैं बिस्किट खाए बगैर तो जाऊँगा नहीं मैं उसे रोज बिस्किट तो दे नहीं देती हूँ जो भी पराठा बनता है चपाती बनती है वही वो खा लेता है नाश्ते में तो आज जिद कर रहा था इसलिए मैंने उसे दे दिया था और मैंने पहले चपाती के आटा लगा लिया था चपाती सब्जी उसे टिफ़िन के लिए दे दूँगी करके बट आज उसने जैसे ही उठा उठने जैसे उठा उठ उठने के बाद उस जिद लगा के रखी है कि मैं आज सैंडविच लेके जाऊँगा मैंने बोला आज चपाती सब्जी लेके जाओ मैं मंडे को ना तुम्हें तो सैंडविच बना के दे दूंगी बट वो माना नहीं इसलिए मैं निकली थी ब्रेड पैकेट लेने के लिए और यहाँ पे गाड़ी निकालना बहुत बड़ा एक टास्क है गेट के बाहर क्योंकि एक ही डोर जो है ना गेट का ओपन होता है किसी कोई प्रॉब्लम है इसलिए दूसरा वाला ओपन नहीं होता है रोज़ तो हस्बैंड झटके जल्दी से निकाल लेते बट मुझे निकालना थोड़ा मुश्किल जाता है तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेकरी में और सुबह में लगभग सुबह के बज गए थे साढ़े सात और यहाँ पे बेकरी वाले लोग जो है ना साफ सफाई कर रहे थे उनका वही काम चल रहा था मैंने थोड़ा सा वेट किया उनके वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बेकरी में मुझे तो लेना है बस एक ब्रेड पैकेट मैं लेके चली जाऊंगी तो बस यहाँ पे बेकरी के सामने ये एक होटल है तो सुबह साढ़े सात बजे ही लोग नाश्ता करने लग गए थे और यहाँ पे मैं घर के आ गई थी देवांश को स्वेटर डालना बिल्कुल पसंद नहीं बट वही बोल रही थी मैं उसे स्वेटर डाल लो काफ़ी ठंडा है नहीं तो फिर से सर्दी जुकाम हो जाएगा करके तो वही स्वेटर डाल रहा है तब तक मैं उसका देवांश का जो है ना टिफ़िन पैक कर लेती हूँ तो एक बॉक्स में मैंने रखा है ब्रेड जाम और दूसरे बॉक्स में मैंने एक एप्पल कट करके देवांश को दे दिया था वैसे तो वो लंच करने तक आ जाएगा क्योंकि आज सैटरडे है उसका हाफ डे रहता है तो साढ़े बारह बजे तक वो घर पे आ जाएगा तो बस यहाँ पे देवांश भी रेडी था और आज देवांश के पापा का है सैटरडे को ऑफ रहता है उनका तो उन्होंने कल कल ही बोल के रखा था कि कल तुम मतलब सैटरडे को जो ना देवांश को ड्रॉप करके आ जाना तो बस यहाँ पे देवांश रेडी हो रहा है और मुझे जाना है मतलब ड्रॉप करने के लिए थोड़ी बहुत चीजें रहती है विंडो लगाना गैस बंद करना बंद हुआ है नहीं चेक करना लॉक करना गेट को तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी देवांश को छोड़ने के लिए ड्रॉप किया और सुबह में देख सकते हो आप बच्चे यहाँ पे बच्चों की भागा दौड़ी चल रही थी और उनके मम्मी पापा को पापा के भी तो देवांश को ड्रॉप करने के लगभग मुझे घर पे घर से स्कूल जाने के लिए पंद्रह मिनट आने के लिए पंद्रह मिनट आधा घंटा तो लग ही जाता है ड्रॉप करके आने के लिए तो यहाँ पे घर पे आने के बाद मैं रख दूंगी दूध गर्म करने के लिए क्योंकि सुबह में मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा नहीं था और साइड में मैंने रख दी थी चाय मेरे लिए क्योंकि शिव और शिव के पापा अभी तक उठे नहीं थे इसलिए सोचे तब तक मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि मैं बाहर से आई थी ना इसलिए काफी ठंड लग रही थी ठंडा 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 लग रहा था तो सोचे चाय ले, ले लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा तो बस यहाँ पे मैं एक साइड दूध गर्म कर करने के लिए रख दूंगी और मैं चाय बना के ले लूंगी तो मैं किचन के आसपास ही रहती हूँ नहीं तो मतलब काफी टाइम ही काफी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ और किसी काम से इधर उधर जाना पड़ता है तो मेरे ध्यान में नहीं रख रहता है कि दूध गर्म करने के लिए रख दिया है पता नहीं कितना बार दूध जो है ना गैस गैस स्टोव के नीचे आ जाता है तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड आ ही गया था तो मैंने दो ब्रेड ले लिया और थोड़ी चाय ले ली और सुबह में ना मेरे मुझे इतनी आदत हो गई है चाय पीने की तो चाय पिए बगैर ना जमी नहीं रहा सोच रही हूँ चाय थोड़ा सा कम ही कर तो बस मैं सोच रही थी नाश्ता बनाने के लिए बट मेरे हस्बैंड और शिव उठा नहीं था तो सोचू वो लोग लो उठने के बाद ही बना देती हूँ नाश्ते के लिए तो यहाँ पे जो भी ब्रेड पैकेट है उसे मैं फिक्स करके रख दूंगी और यहाँ पे घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लूंगी तो जैसे मैंने बोला था स्टैंड मुझे अंदर ही रखना पड़ा था तो ये स्टैंड कपड़े ये सारा देख के ना मुझे सुबह में हेडेक ही होना चाहता है तो जितना जल्दी हो सके ये सारा ना अरेंज करने लग जाती हूँ मैंने मशीन के दो लॉट लगा दिए थे तो बेडशीट भी थी मेरी तो मैं मेन डोर के सामने कुछ इस तरह से रस्सी बांध दिए, उसके ऊपर ही वगैरह डाल देती हूँ तो वो बेडशीट वगैरह, बेडशीट तो सूख जाती है पतली वाली लंबी रहती है बट कपड़े नहीं सूख पाते हैं मेन डोर के आगे तो मैंने फुल नाइट ना फैन फुल करके स्टैंड जो है ना फैन के नीचे रख दिया था फिर भी आधे कपड़े मेरे सूखे नहीं थे बच्चों के जो मोटे वाले कपड़े थे वो वाले तो आज सुबह में थोड़ी सी धूप निकली थी सोची बाहर वाले साइड वाला जो एरिया है वहीं पे डाल देती हूँ तो दोपहर तक आराम से कपड़े सूखते रहेंगे मैं जैसे कपड़े डाल रही थी तो कचरे की गाड़ी की आवाज आई तो मैं वही जल्दी जल्दी जा रही हूँ डस्टबिन रखने के लिए क्योंकि रोज क्या करती हूँ देवान जैसे जाता है तभी मैं डस्टबिन रख देती हूँ बट आज मुझे याद ही नहीं रहा तो नहीं तो दो मिनट भी लेट हो जाते हैं तो कचरे की जो गाड़ी जो है ना निकल जाती है और दिन भर कचरा वैसे ही पड़ा रहता है घर पे और यहाँ पे डस्टबिन रख के मैं आ गई थी उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी घर के कामों को छोटे मोटे और यहाँ पे जो भी मैंने कपड़े उतारे थे वो सारे कपड़े जो है ना मैं लगे हाथ फोल्ड करके उनकी जगह पे रख दूंगी तो इससे भी आपका काफ... घर जो है ना काफी अरेंज लगेगा नहीं तो आप कितना भी साफ कर लो घर उतना आरेंज नहीं लगता है चीजें अगर पड़ी रहती है सारे घर में तो तो मोस्टली मैं इसी वाले रूम में जो है ना कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि हम लोग ना बेड के ऊपर या दीवान के ऊपर कपड़े फोल्ड नहीं करते जो वॉश हुए हुए होते है वो वाले कपड़े तो मैं कोशिश करती हूँ इस वाले रूम में ही आ, कपड़े फोल्ड करके रखने की क्योंकि इसी वाले रूम में देवांश के कपड़े मेरे कपड़े देवांश के पापा के कपड़े रखे हुए होते हैं डेली यूज के तो यहाँ पे आसान हो जाता है कपड़े फोल्ड कर दो वहीं के वहीं रख दो तो बेडरूम में के कपड़े रख देती हूँ कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी उसके बाद जाऊंगी मैं बेडरूम को अरेंज करने में शिव उठ गया था उसके पापा भी उठ गए थे और मैं शिव को ना होम मेड जो शेरिला के रागे का वो बना के कपड़े फोल्ड करने के लिए आ गई थी तो वो बना हुआ ही है ठंडा होने के बाद मैं शिव को खिला दूंगी तो उसका नाश्ता भी हो जाएगा और थोड़ा समय घर अरेंज करूंगी उसके बाद में बाद में श्री को मैं बात वगैरह दे दूंगी तो बस यही रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ सुबह में जो भी घर फैला हुआ रहता है ना और मेरा मतलब बच्चे जैसे साफ करो फिर से डाल देता है श्री भी खिलौने वगैरह इधर उधर डालता रहता है तो सुबह में मैं कितना भी रात में थोड़ा सा साफ सुफ करके मतलब साफ सुथरा अरेंज करके रख दो ना दूसरे दिन सुबह में जितना होना होता है उतना तो घर मतलब पूरा फैल ही जाता है और यहाँ पे आ गई थी मैं बेडरूम में, में शिव को मैंने नाश्ता करवा दिया था उसके बाद यहाँ पे आ गई मैं बेडरूम में तो जो भी ब्लैंकेट्स है उनको फोल्ड करके उनकी जगह पे रख देती हूँ और साइड में जो मैट्रेस है ना उसके ऊपर देवांश है क्योंकि बेड के ऊपर तो सो लेता है देवांश बट नाइट रात में ना नींद हाथ पांव शिव के ऊपर डालने लग जाता है देवांश को मतलब स्पेस ज्यादा लगता है सोने के लिए तो मैं क्या करती हूँ उसे एक मैट्रेस डाल देती हूँ साइड में तो वो आराम से सोता रहता है तो बस यहाँ पे सुबह में मैं क्या करती हूँ ना दीवान हो गया बेड हो गया ये सारी चीजें ना ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ थोड़ा सा बेडशीट भी ठीक ठाक कर लेती हूँ तो आपका घर भी ना थोड़ा अरेंज लगने लग जाता है फिफ्टी परसेंट तो इसी चीज से अरेंज लगता है तो यहाँ पे शिव उठ गया था मैंने उसे नाश्ता करवा दिया था और दे शिव ना मोबाइल देख के चालू गया था मोबाइल दे दो करके मोबाइल के पीछे ही पड़ गया था इसीलिए मैंने मोबाइल बंद कर दिया शिव को ले के बाहर गई थी उसके बाद थोड़ा सा दो तीन राउंड मारे वो थोड़ा सा टीवी उसे लगा के दिया था उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम में मैं बेडशीट तो दो तीन दिन ही पहले डाली हुई है मैं उसे वॉश तो करूँगी नहीं थोड़ा सा झाड़ के साफ कर लूँगी और जो भी पीलो कुशन है वो डाल के रख के अरेंज कर देती हूँ तो बस यही रहते हैं मेरे सुबह के छोटे छोटे मोटे काम और सुबह में मुझे लगभग तीस से चालीस मिनट लगता है सारे मतलब रूम जो है ना थोड़ा सा घर अरेंज करने के लिए क्योंकि सारी जगह पे सामान फैला हुआ रहता है तो बस यहाँ पे मैंने बेड सेट कर दिया है और मैं क्या करती हूँ ना पहले एक रूम लेती हूँ बाद में एक रूम ले लेती हूँ फिनिश जैसे कि हस्बैंड का ऑफिस का रूम लिया उनके टेबल के ऊपर काफ़ी सारी चीजें पड़ी रहती है तो वो साफ़ कर देती हूँ बाद में चेयर वगैरह इधर उधर हो जाती है वो सेट कर देती हूँ बाद में बेडरूम में आके बेडरूम को सेट करती हूँ बाद में दीवान वगैरह बच्चों के खिलौने वगैरह ये सारी चीज़ें रहती ही है बच्चों वाले घर में फैली हुई तो वो सारा अरेंज कर देती हूँ मैंने बेड अरेंज थोड़ा सेट कर दिया था उसके बाद विंडो खोल दूंगी मैं तो मुझे तो ये वाली आदत है कि मैं जैसे उठ जाती हूँ तभी मैं विंडो दरवाज़े खोल के रख देती हूँ बट अभी थोड़ा सा वेदर ठंडा है ठंडा थोड़ा सा मतलब क्या है जैसे कि विंटर ही चल रहा है तो थोड़ा सा लेट ही मैं विंडो वग़ैरह खोल देती हूँ नहीं तो बच्चों को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कोल्ड का तो बस यहाँ पे मैंने श्री को तो पहले नाश्ता करवा दिया था नाश्ता करवाने के बाद ही मैं उसे बात दे देती हूँ क्योंकि नाश्ता करते टाइम वो काफी उसका जो ड्रेस है वो काफ़ी ख़राब कर लेता है गिरता रहता है खिलाते टाइम इधर उधर भागने के चक्कर में तो नाश्ता करने के बाद ही उसे मैं आराम से बात दे, दे देती हूँ और बच्चों को गर्म कपड़े भी डालना अभी मतलब डाल देती हूँ गर्म कपड़े डालना पड़ रहा है तो शिव मुझे कपड़े भी डालने नहीं देता है ना बॉडी लोशन लगाने देता है तो मैं क्या करती हूँ उसे जो भी उसे पसंद है वो वाली चीज़ें उसे दे देती हूँ जैसे कि अभी मैंने नोटबुक पेंसिल दे दिया है उसे वो थोड़ा सा कुछ लाइन वगैरह बना देगा ऐसे ही मतलब देवांश का देख के कुछ राइटिंग करने के लिए जाता है बट उसे क्या आता है इतना ही छोट इतना छोटा है बट कुछ ना कुछ मतलब पेंसिल लेके लाइन वगैरह बनाता है तो थोड़ा सा बिजी रहता है तब तक मैं उसे थोड़ा रेडी कर देती हूँ नहीं तो बहुत मुश्किल रहता है उसे रेडी करना तो बस यहाँ पे मैंने श्री को रेडी करके ना उसे मैं सुला दूंगी वो अच्छे एक नैप ले लेगा तब तक मैं लंच बना दूंगी सोची नाश्ता बनाने के लिए बस हस्बैंड बोले कि मतलब उनका आज किसी कोर्स के एग्ज़ाम थी जल्दी जाना था तो बोला था कि मतलब लंच ही बना दो जल्दी से तो मैंने नाश्ता कुछ बनाया नहीं वैसे चाय ब्रेड हम लोगों ने खा ली थी शिव के पापा ने भी चाय ब्रेड ले लिया था तो मैं सोच मतलब मैं सोच के मतलब नाश्ता स्कीप ही कर देते हैं आज देवास भी आने का टाइम हो जाता है लंच बनाने तक तो मैंने शिव को सुला दिया था उसके बाद मैं गई थी लंच बनाने के लिए तो उसके आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया है फ्रेंड्स तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसे नए वीडियो के साथ में नए ब्लॉग के साथ में तब तक के लिए